आपण जे काल जे घेतलं ती पहिली स्टेप होती. पहिली स्टेप काय होती की तुम्हाला तुमचे एम्स सांगितले, तुमचे गोल लिहायला सांगितले. गोल का लिहिले पाहिजेत, गोल का लिहिले पाहिजेत, कारण मला तिथं पोहोचायचंय आणि ते पोहोचण्यासाठी आवश्यक आहे मला काहीतरी असलं पाहिजे माहिती की मला कुठं जायचंय, बरोबर आहे ना. त्यामुळं गोल लिहिले पाहिजेत. यामध्ये एक प्राची शिंदे आहे का इथं? व्यवस्थित लिहिलंय तिने, जे चित्र रंगवलंय त्या चित्रामध्ये तिने लिहिलंय की हा माझा गोल नाही, हा माझा एम आहे, किंवा हे माझं ड्रीम नाहीये, हे माझं एम आहे, गोल आहे. या पद्धतीने ती लिहिलंय, म्हणजे तिने उत्तरच दिलं की ड्रीम कशासाठी बघायचा आहे आणि ड्रीमचा अर्थ काय. एक कुणाल गायकवाड आहे का इथं? त्यांनी काय लिहिलंय तर मला बिझनेसमॅन व्हायचंय, हे सुद्धा त्याचा गोल आहे, वेगळं आहे काहीतरी. पण बिझनेसमॅन व्हायचंय असं वेगळी लिहून नाही चालणार, तर त्याला अजून पुढच्या स्टेपला आपल्याला जावं लागेल की मला नेमकं कशाचा बिझनेस चालू करायचा आहे आणि नेमकं कशाचा बिझनेस नुसता चालू नाही करायचा तर त्याच्या पुढे काय करायचंय नेमकं, हे सगळं ठरवावं लागणार आहे. पण त्याविषयीच आपण आज बोलणार आहोत, बरोबर आहे. आता मला सांगा की प्रत्येकाने काही ना काही लिहिलंय, तर प्रत्येकाने आता मला सांगायचंय की प्रत्येकाने त्याचं काय काय ड्रीम लिहिलेलं आहे. टीचर, वा अजून डॉक्टर, येस. मला थोडी मध्ये जायला जागा ठेवली तर मी फास्ट जाऊ शकेल आणि सगळे ती बोलत नाही तर मागच्यांना मी देणार नाही असं होईल. सगळ्या मुलांना जर विचारलं तुम्हाला कुठं जायचं
आहे तर प्रत्येक जण त्याचा त्याचा बोल सांगू शकतो. म्हणजे आता सगळ्यांनी सांगितलं, एकाने सांगितलं लॉयर, एकाने सांगितलं आर्मी मॅन, एकाने सांगितलं डॉक्टर, हे असं सगळ्यांनी सांगितलं. पण सगळे हे अचीव करू शकतात का, करू शकतील का? असंच प्रत्येक जण म्हणत की येस. पण ज्यावेळी ते दहावीच्या पुढे जातील त्यातले फक्त 5% त्यांचे गोल अचीव करू शकतात, बाकीचे करू शकत नाही. हे का घडतंय, का घडतंय? पढाई नाही करणे से आ जा. और किस वजह से हो रहा है ये? मस्ती करने से? नहीं, मस्ती करने से ऐसा कुछ नहीं होता है. सीखा नहीं तो. वो उसने बोला ना, पढ़ाई नहीं, सीखा नहीं से आगे. ध्यान नहीं देने से. ध्यान नहीं देने से. किस बारे में ध्यान नहीं देने से? वही उसने बताया. और हाँ, आ जाओ आ जाओ. कौन है मोबाइल वाला? आ जाओ. कौन है मोबाइल वाला? क्लास फाइव. ओके, तो परी ने सही बताया. क्या बताया? मोबाइल बार बार देखने से उसका फोकस अलग जगह पे चला जाता है. मगर एक्चुअल उस वजह से नहीं, ये नहीं होता है. ये इस वजह से होता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम भूल जाते हैं. तो अभी हमने पहला स्टेप लिया है कि हमने हमारे गोल सेट किए हैं और वो गोल सेट किए हुए हमने कार्डशीट पेपर पे लगा दिए, करेक्ट? तो अभी क्या करना है कि हमें वो भूल ना जाए, इसलिए सेकंड स्टेप लेनी है. वो सेकंड स्टेप क्या है? तो वो कार्डशीट पेपर आपको आपके घर में एक वॉल पे आपके बेडरूम में चिपका देना है, ठीक है? अभी सेकंड स्टेप क्या किए, उसको कार्डशीट पेपर को हमें हमारे बेडरूम में चिपका देना है एक वॉल पे. और वो चिपकाने के बाद, हर रोज उठने के बाद क्या करना है, वो वॉल पे जहां पे हमने वो चिपकाया है उसको देखना है और आंख बंद करके ये विजुअलाइज करना है कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ. डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर कैसे पहचाना में आता है, कैसे पहचान में आता है? हाँ, व्हाइट कोट. और किसे कैसे पहचान में आता है? स्टेटोस्कोप. किसने बताया स्टेटोस्कोप? हाँ, करेक्ट. इंजेक्शन. ठीक है. और सोल्जर कैसे ध्यान में आता है? वो पीछे वाला बताओ. तो देख
लिया, ड्रीम मिलने के लिए उसको विजुअलाइज भी कर लिया। अभी तीसरी स्टेप है, उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि अगर मुझे वो चाहिए तो उस फील्ड के पांच टॉप के बंदों को, पांच टॉप के लोगों को मुझे मिलना है। यानी कि क्या, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो तुम्हारे टाउन प्लेस में जो पांच लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनको मिलना है। ठीक है, अभी मिलके क्या करना चाहिए, ये सब सेशन का आगे का हिस्सा जो है, ये फिफ्थ स्टैंडर्ड के आगे के बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा। फर्स्ट टू फोर्थ के लिए काम इतना नहीं करेगा, मगर फिर भी टीचर्स को मैं विनती करता हूँ कि उनको ये बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ये समझाना है कि क्या करना है, कैसे करना है। टीचर्स को तो ध्यान में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिफ्थ के आगे के बच्चों को भी ध्यान आएगा, मगर उसके पहले बच्चों को जो ध्यान में नहीं आएगा, तो उनको हमें वर्कआउट करके रहना है। तो वो पांच लोगों को, अभी मुझे सोल्जर बनना है तो पांच सोल्जर को मिलके आना पड़ेगा। तो ये तीन महीने का उनको ये हमारा वर्कशॉप, ये कंटिन्यूस एक साल चलने वाला है, क्योंकि हमें अगर रिजल्ट चाहिए तो हमें वो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क जो करना है वो ये करना है कि तीन महीने, छह महीने ऐसे वो चालू रहने वाला है। ठीक है, तो तीन छह महीने अगर चालू रहने वाला है तो तीन महीने में हर महीने एक पर्सन को मिल के आना है, जिसका जो ड्रीम है। अगर एक को सोल्जर बनना है तो उसको सोल्जर को मिल के आना है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको एक डॉक्टर को हर महीने में मिलना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है तो उसको एक बिजनेसमैन को मिलके आना है, और मिलके आके क्या करना है तो उसको पूछना है कि उसने क्या क्या किया ये सक्सेसफुल बनने के लिए, उसने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो ऐसे पांच लोगों को मिलना है, और पांच लोगों को मिलके उनसे सब इनपुट्स लेने हैं कि उन्होंने वो स्टडी कैसे करते थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन कैसे निकाली, उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया, कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, क्या एक्सरसाइज की। अभी सोल्जर को पूछा जाएगा तो वो बोलेगा कि मैं हर रोज रनिंग करता था। अगर आपको सोल्जर बनना है तो आपको भी आज से रनिंग शुरू करना पड़ेगा। अगर किसी डॉक्टर को पूछ के आएंगे तो वो बोलेगा कि मैं हर रोज बहुत ज्यादा स्टडी करता था। अगर आपको सीए को पूछा जाएगा तो सीए बोलेगा कि मुझे सीए करने के लिए मेरा मैथ्स मैंने बहुत अच्छा काम किया। किसी को बिजनेसमैन बनना है तो उसको बिजनेसमैन को मिलने के बाद वो बिजनेसमैन बोलेगा कि मैंने स्ट्रेटजीज सीख ली। ठीक है, तो ये फिफ्थ स्टैंडर्ड के आगे के बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, उसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट जो है, तो ये जो भी आप सीख के आएंगे वो आपके टीचर्स को शेयर करना है, और टीचर्स को शेयर करने के बाद, क्योंकि आपके टीचर ही आपके अच्छे गुरु है, गुरु के बिना कोई टारगेट अपना अचीव नहीं होगा। सब जगह पे हमें गुरु की जरूरत है, तो इस हिसाब से आपको आपके टीचर को मिलना है, उनको बताना है कि मैंने ये स्टडी करके आया हूँ, ये मैंने सुना है उनसे, और इसके लिए आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी एक बंदे ने बोला कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो आर्टिस्ट बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्री की एग्जाम देनी पड़ेगी फर्स्ट सेकंड, तो वो कौन बताएगा, तो वो उनका गुरु टीचर बताएगा कि एलिमेंट्री के एग्जाम को बैठो। उसके बाद उसको एलिमेंट्री होने के बाद उसको वो बोलेगा कि आर्टिस्ट बनना है तो आपको जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया की टॉप मोस्ट आर्ट्स की संस्था है, तो वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो टीचर बताएंगे, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन आपको मालूम नहीं रहेगी कि कहाँ जाना है, मगर उनको तो मालूम है तो वो गाइड करेंगे। उसके साथ आपको आपके पेरेंट का भी सुनना है, क्योंकि पेरेंट को भी ये मालूम है कि ये फील्ड में काम करने के लिए किससे सलाह लेनी चाहिए, क्या नॉलेज लेना चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट कैसा करना चाहिए। ठीक है, तीन स्टेप निकाले हैं, तो अभी पीछे वाला कोई भी बंदा खड़ा रह के मुझे ये तीन स्टेप बताएगा। पहला
पहली स्टेप क्या निकाली थी हमने? हाँ चल चश्मा, आइडेंटिटी के लिए तुमको बोला है, तो टेंशन मत लो। हाँ ड्रॉ करना है, पहली स्टेप ड्रॉ करना है। सेकंड स्टेप हाँ, और क्या करना है? विजुअलाइज करना है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पांच लोगों को मिलना है उस फील्ड के। हाँ और उसका सेकंड पार्ट क्या है? हाँ टीचर्स को शेयर करना है और टीचर से गाइडेंस लेना है। अगर हम टीचर्स को वो शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो मुझे करते करते सीखना पड़ेगा कि मैं सही हूं कि नहीं, सही रास्ते पे जा रहा हूं कि नहीं। और ऐसा करेंगे तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी। क्या होगा? जिंदगी निकल जाएगी। करते करते सीखोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, और सीखते सीखते करोगे तो जिंदगी बन जाएगी। तो हमें जिंदगी बनानी है या निकालनी है? तो हमें जिंदगी बनानी है तो हमें हमारे टीचर से बातें करते रहना चाहिए। आपको जो भी मन में आए वो आपको टीचर से बातें करते रहेंगे। कुछ भी सिली क्वेश्चन हो फिर भी पूछिए, तो क्या होगा? तो आप घबराएंगे नहीं, और घबराएंगे नहीं तो उससे आंसर्स मिलता जाएगा। अभी मैं और आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। हमने आम का झाड़ लगाया है, हमने आम का झाड़ लगाया हुआ है, तो उसको चीकू के फल मिलेंगे क्या? नहीं ना। अगर हमने इमली का झाड़ लगाया तो हमें आम मिलेगा क्या? तो वही चीजें, हम जो बोएंगे वो आएगा। तो हमें क्या बोना है? हमारा गोल बोना है। हमारे गोल अचीव करने के लिए जो चाहिए वो सब मेहनत हमें ही करनी है, दूसरा हमारे लिए कोई और करेगा तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ने उनके गोल उनके पेरेंट्स से ड्रॉ करके लाए हैं, है कि नहीं? तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा। आपके अच्छे नहीं हुए ड्रॉ तो भी चलेगा, मगर आपके खुद के रहेंगे ड्रॉइंग तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए खुद के करने चाहिए। ओके ध्यान में आया है? मैं यहाँ पे मुझे ये बोलने के लिए और मेरे थॉट्स शेयर करने के लिए लीड टीम के सब मेंबर्स ने, प्रिंसिपल सर, गार्ड सर, बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा हेल्प किया। सब टीचर्स लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूट करना, कलेक्ट करना, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ये सब किया, तो मैं उनका आभार मानना चाहता हूँ। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, कुछ नया नया प्रोग्राम करते रहेंगे। तो आप लोग जिस चीज़ की अभी बहुत जोरों शोरों से राह देख रहे हैं वो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे। तो प्राइज देने का मतलब क्या है? इंस्पायर करना, ठीक है? मगर सबने किया है तो सब इंस्पायरेबल है, मगर इतना सब लोगों को गिफ्ट नहीं दे सकते। इसलिए सिलेक्टेड जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके किया है उनको हम दे रहे हैं, ठीक है? मगर सबके ड्रीम्स तो कंप्लीट होने चाहिए कि नहीं? तो ये तीन स्टेप हमें लेने ही है। एक साल के बाद हमने उस पे क्या क्या काम किया उस पे बात करनी चाहिए हमें, ठीक है? ओके।